आज लोकसभा के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और देखिए अभी हम नैनीताल में हैं और नैनीताल के कुछ युवा वोटर हैं हमारे साथ जिन्होंने अभी मतदान डाल के आए हैं। कितना एक्साइटमेंट है उन्हें जानते हैं। हेलो, अभी आप वोट कास्ट करके आए हैं अपना, तो कितना एक्साइटमेंट है आप? बहुत एक्साइटेड हूँ मैम, 4 साल में बाद ये मौका मिला है तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी मुझे वोट डालने का ही था कि जल्दी से जाओ वोट डाल के आओ। जी, और हमारे साथ कुछ युवा वोटर है, हम उनसे जानते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है उन्हें आज वोट देने में और साथ ही लोग और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो? जी, हम बहुत एक्साइटेड हूँ, 4 साल बाद ये मौका मिला है तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने यही काम करने का जा रहा हूँ और मैं औरों से भी यही निवेदन करूँगा कि वो भी जितना जल्दी हो सके वोट डालें और ज़रूर डालें। आप देख सकते हैं, चलिए और लोगों से आप बात कराते हैं। आज लोकसभा के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है, अभी यहाँ पर नैनीताल की डीएम पहुँची हुई है अपना वोट कास्ट करने के लिए। चलिए अभी हम आप उनसे बात करेंगे। देखिए, मैंने भी अपना मतदान यहाँ पर किया है अभी अपने बूथ में और आज पूरे जनपद में सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान की जो प्रक्रिया है वो समय से प्रारंभ हो गई है। मेरा सभी वोटर से ये अनुरोध है कि आप लोग अपना वोट देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर आएँ और मॉर्निंग आवर्स में अभी इतनी तेज़ धूप भी नहीं है तो सब लोग अभी वोट कर लें अपना, फिर धूप हो जाएगी, फिर शाम तक 5 बजे तक आपका जो है पूरा समय रहेगा। तो सभी को यही संदेश है, आप सब लोग भी अपना वोट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचाएँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मैडम, कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी भी पाई गई है। ईवीएम में कई जगह पर तकनीकी इश्यूज आते हैं, जैसे कई बार कोई बटन काम नहीं करता या कई बार बैटरी की समस्या आ जाती है, कई बार प्लग इन होने में स्विच के वगैरह की कोई इश्यूज आ जाते हैं। वो जहाँ भी आए हैं, एक दो जगह एक्चुअल पोल के दौरान भी आया है और एक दो जगह मॉक पोल के दौरान भी, तो समय से उनको परिवर्तित कर दिया गया है। इसी के लिए रिजर्व मशीनों की व्यवस्था भी करी जाती है। अपना वोट कास्ट किया है, आप लोग भी अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें।